बिल्कुल बदलाव देखते हैं, उसी बदलाव के लिए हम लोग अभी 24/7 प्रयास कर रहे हैं। और वो बदलाव वैसे बोलने से नहीं होगा, अभी सारे जनता अंधकार में है, उन लोग को रोशनी क्या होता है ये मालूम नहीं है। जब तक हम लोग बोलते हैं कि पार्टी को दोष देते हैं, बीजेपी ऐसा है, जेएमएम ऐसा है, ये वैसा है, एक्चुअल में कोई भी पार्टी गलत नहीं होती है। एजुकेशन का जितने सारे स्कूल होती थे सरकारी, सब स्कूल का अभी बस कंस्ट्रक्शन देखा जाता है। पहले हमने जब स्कूल में, हमने भी खिचड़ी स्कूल से पढ़ाई किया है, मेरे समय में हर क्लास के टीचर होते थे, अभी एक टीचर इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स होता है। ये जो कुछ दिनों से हम जैसे लगातार देख रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो है देश में चल रही हैं, यहाँ झारखंड में बात करें तो झारखंड में भी पेपर लीक्स के मामले सामने आ रहे हैं, अब केंद्र की बात करें तो नीट यूजी पेपर लीक का सामने आता है, फिर यूपीएससी स्कैम का भी बात आ रही है जिसमें पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट फेक बना के जो है बड़े बड़े अपराधकारी बन चुके हैं, तमाम चीज़ें बहुत कुछ आ रही है। तो क्या जैसे बीजेपी ने इस बार जैसे 400 पार का नारा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने जो उनके मुद्दे थे, जो 2014 से जो मुद्दे चल के आ रहे थे, उन मुद्दों को नकार दिया, और इस बार जो बीजेपी की जो आप हालत देखने को मिला ही है, बहुत मुश्किल से सरकार बन पाई है, तो झारखंड में भी क्या उस तरह का जो है आप बदलाव देखते हैं कि नहीं, एक नया पैटर्न जो है डेवलप होगा, जनता की जो माइंडसेट है, जो पुरानी माइंडसेट है, जो जनता जो मौजूदा पार्टी है उनके उनके प्रति जो उनका रहा है हमेशा से वो पिट्ठू रहे हैं, तो क्या बहुत एक बदलाव देखते हैं इस बार की जो विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल बदलाव देखते हैं, उसी बदलाव के लिए हम लोग अभी 24/7 प्रयास कर रहे हैं। और वो बदलाव वैसे बोलने से नहीं होगा, अभी सारे जनता अंधकार में है, उन लोग को रोशनी क्या होता है ये मालूम नहीं है। जनता को इतना मालूम है कि आज अगर आप मेरे को वोट मांगने आए हैं ना, तो हम आपको अगर वोट दे के जिताएंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जिताए या फिर जो बनते आ रहा है उसको जिताए, हम तो आज भी काम करके खाएंगे, कल तुमको अगर बना देंगे तो कल भी हमको काम करके खाना पड़ेगा, ये माइंडसेट क्लैरिटी है उनका। तो ये माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। आप बस शॉर्ट टाइम शॉर्ट प्रोसेस के लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो लिटरेसी रेट है अभी पिछले 10 साल में कितना ज़्यादा घटा है, जो कि बढ़ना चाहिए, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, जो कि घटना नहीं चाहिए। उसका हम एग्जांपल इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जिस समय में हमने मैट्रिक लिखा उस समय में मेरे गांव में लगभग सब बच्चे स्कूल जाते थे, अभी गांव में आप देखेंगे तो 10% जाते हैं, बाकी 90% नहीं जाता है। ये इसके वजह से लिटरेसी रेट घटा हुआ है। तो जितना लिटरेसी रेट घटेगा उतना इस प्रकार का बात जनता का मुँह से निकलेगा, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा, उनके बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं है तो रोजगार के लिए क्यों मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एक देखने को मिल रहा सिनेरियो, जो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो एक जो देश भर में जिस तरह की रोजगार को लेकर समस्याएं चल रही है, जिस तरह लोग पढ़े लिखे लोग जो है पीएचडी लेवल के लोग जो है ग्रुप डी के नौकरी करने के लिए मजबूर हैं या फिर और भी नीचे लेवल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमाम चीज़ें परेशानियों में, तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंडसेट में ये घुस रही है कि हम जो पढ़ लिख भी लेते हैं तो आगे होना क्या है, होना तो वही होना आंदोलन करना या फिर कहीं जाके नौकरियों के लिए खाक छानना या फिर जो है आपका नौकरियां कहीं बेच दी जाएगी और फिर हम बेरोजगारी घूमेंगे, ये चीज़ें जा रही है समाज को और ये समाज को इम्पैक्ट कर रही है, और ये आगे ये जो जो चीज़ें जा रही है समाज में ये आगे 10-20 साल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है देश में उभर कर आएगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसको लेकर के तो आपको जो हम फिर वही वाला बात बोलेंगे, लिटरेसी रेट जब तक नहीं बढ़ाइएगा, अर्बन क्षेत्र का बढ़ा रहे अच्छी बात है, लेकिन अर्बन क्षेत्र का लाइफ भी तब सर्वाइव होगी जब रूरल क्षेत्र के आदमी लोग जिंदा रहेंगे, रूरल क्षेत्र के लोग ही आपको वहाँ जिंदा रखने के लिए मेहनत करेंगे। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि कुछ दिन बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो आएगी, तो ये आपको समझ में आ रहा है तो जिनको हम बना के बेचते हैं आपसे पहले उनको समझ में आना चाहिए। जब तक हम लोग बोलते हैं कि पार्टी को दोष देते हैं, बीजेपी ऐसा है, जेएमएम ऐसा है, ये वैसा है, एक्चुअल में कोई भी पार्टी गलत नहीं होती है, जिसको हम बना के बेच रहे हैं उसका माइंडसेट को पहले स्टडी करने का ज़रूरत है, वो सही में जनता का हित के लिए कुछ विचार को रखता हो या फिर बनने के तुरंत बाद वो अपना छुपाने का साधन ढूंढ रहा हो, अपना ब्लैक मनी को स्टोर करने का रख रहा हो। तो अगर इस प्रकार का माइंडसेट करने वाले इंसान को अगर आप विधानसभा या फिर आपका संसद भवन भेज रहे हैं तो मुझे लगता है आपका जो क्वेश्चन है वो जो 20 साल का बात बोल रहे हैं वो 10 साल में
वो देखने को मिलेगा, और वो चीज़ हटेगा तब आप मोटिवेट करना होगा आपको। गांव का लोग जो मतलब इलिटरेट है उनको मोटिवेट करना होगा कि आपका बच्चे अगर आने वाला समय में, अगर अभी पढ़ाएंगे नहीं तो आने वाला समय में क्या होगा, इस चीज़ से उनको अवगत कराना पड़ेगा। आप जैसे तीर्थ यात्रा करने के लिए अलग अलग सरकार मोटिवेट करती, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मंदिर अच्छा बना दिया हूँ, आप आके दर्शन करके आइए, सब दुनिया का सारा टेंशन खत्म हो जाइए। गंगा नहाने के लिए आपने कितना सारा फ्री ट्रेन, फ्री बस, क्या क्या कर रहे हैं। तो एजुकेशन को प्रमोट आप कहाँ कर रहे हैं? एजुकेशन का जितने सारे स्कूल होते थे सरकारी, सब स्कूल का अभी बस कंस्ट्रक्शन देखा जाता है। पहले हमने जब स्कूल में, हमने भी खिचड़ी स्कूल से पढ़ाई किया है, मेरे समय में हर क्लास के टीचर होते थे, अभी एक टीचर इक्वल टू 200 स्टूडेंट्स होता है, तो कहाँ से वो बढ़ेगा? वही मैथ पढ़ाएगा, वही आपका साइंस पढ़ाएगा, वही आपका सोशल स्टडीज करवाएगा, वही आपका सारा कुछ करवाएगा, कहाँ से होगा? फिर इलेक्शन के टाइम आप उसको लेके जाते हैं। तो ये सारा समस्या, जब तक पार्टीशन नहीं करेंगे, आप जिनको हायर कर रहे हैं टीचर के रूप में, तो लेट हिम बी एज अ टीचर, यू डोंट हैव टू, आपको उसको लेने की ज़रूरत नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट में। आप जिस चीज़ के लिए आपने अगर किसी को ड्राइवर का हायर किए तो ड्राइवर ही करने, जिसको साथ में गार्ड का ड्यूटी नहीं कराइए, गार्ड का ड्यूटी करा के देखिए भाग के चला जाएगा, आपको नहीं भागेगा तो आपको डबल पेमेंट मांगेगा। तो ये एक्चुअल चीज़ है, कॉमन बात है, जो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नेता को समझ में आना होगा, जिस दिन ये समझ में आएगा उस दिन सारा चीज़ ठीक होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑपरेटर वही होता है, और जिस दिन वो सिस्टम का जो ऑपरेटर का खोपड़ी सही जगह चल जाएगा ना, उस दिन सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। जनता कई सालों से जो है मौजूदा पार्टियों को वोट करते आ रही है, ठीक है, तो आप लोग इस बार, अब जैसे कि आप मुहिम के तहत जो है आप गांव-गांव जाएंगे, प्रवास करेंगे गांव में, गांव के लोगों को समझाएंगे, किस तरह ये एक बहुत बड़ा पैटर्न जो आ रहा है, पैटर्न चेंज करने की बात आ रही, कुछ ऐसे मास्टर प्लान आप लेके चल रहे हैं कि इस बार जो है हम जनता को ये कुछ बताएंगे या फिर ये समझाएंगे, तो जो है उनका दिमाग में जो पैटर्न चलते आ रही है सालों से उसमें कुछ बदलाव हो? उसके लिए हमको एकदम पक्का सबूत, क्योंकि जैसे हमारा बेसिक मुद्दा, अभी जिस जगह में हम लोग बैठे हुए ये है गोविंदपुर, यहाँ से ठीक 15 किलोमीटर दूर एक प्रॉब्लम अस्थाई प्रॉब्लम है, समझने वाले अस्थाई प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं, इच्छा कड़काई का प्रॉब्लम। ये इच्छा कड़काई का प्रॉब्लम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक सरायकेला विधानसभा का MLA नहीं बदलेगा, सदर चाईबासा का MLA नहीं बदलेगा, उसके बाद आपका मझगाँव का MLA नहीं बदलेगा। ये तीनों बदलेंगे वो प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसके हिसाब जजमेंट दे चुका है कि यहाँ डैम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हर साल हर बजट में इसको, इसके नाम पे पैसा का आवंटन होता है। तो ये मतलब आपको बदलना होगा, लेकिन बदलेंगे कैसे? आपका क्वेश्चन मेन यही है कि बदलेंगे कैसे? तो हम जिसका जगह का विधायक का नाम तो नहीं ले, जिस जगह का विधायक को हमने इंगित किया है, उसमें उसका जो काला कारनामा, काला करतूत आप बोले, जैसे हमारा राजनगर में 21 गो पंचायत है, राजनगर प्रखंड में 21 गो पंचायत है, और 21 पंचायत में 40 टू डूंगरी 2011 से 15 के बीच में हो चुकी है। पूरा सरायकेला में बात करें तो 69 गो डूंगरी, बड़ा बड़ा जंगल का, कोई कोई जंगल तो 20-20 एकड़ का फैला हुआ हरा भरा वो लीज हो चुकी है, बाय नेम हमको मिला हुआ डॉक्यूमेंट्स। तो और हम तो अचंभित हो गए उस गांव का मतलब जंगल का लीज के बारे में देख करके, जिस जगह का वोट मतलब 90% जमीन को गया है, तो उनको, उनका वोट हम डाइवर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो डाइवर्ट करने के लिए हमको वो पुख्ता सबूत जाके दिखाना पड़ेगा कि असलियत ये है, आप जिसको भगवान मानते हो वो एक्चुअल में भगवान नहीं है, वो भक्षक के रूप में काम करता है लेकिन दिखता भगवान है, ये बताने का ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपसे जुड़े और लगातार ऐसे जुड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव में है, इस बार JBKCS ने जिस तरह की हलचल मचाई है लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं JBKCS की जो नज़रअंदाज किया जा रहा था वो अब नहीं रहा है, अब
सभी जो है जेबी केसेस की बात कर रहे हैं, और झारखंड ही नहीं बाहर के भी प्रदेशों में बात हो रहा है कि एक नई छात्रों की पार्टी उभर के आई है, जो छात्र अपना हाथ में नेतृत्व चाहते हैं, जो छात्र अपना हित की जो है हित पर नीति नियम बनाना चाहते हैं, और इस तरह जो है जेबी केसेस उभर के सामने आती है। और आगे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी किस तरह की क्या कुछ तैयारियाँ रहेगी, किस तरह आगे रणनीति लेकर चल रहे हैं, और इसको लेकर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।